वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हम बात कर रहे हैं मंसूर एजाज जिसने एक मेमो भेजी उनके मुताबिक उन्होंने वो मेमो जरदारी साहब के कहने पे एक पाकिस्तानी सफ़ीर ने उनसे लिखवा के माइक मलन को कम्यूनिकेट करवाई कि हमें बचा लो हमारी फ़ौज से हम अपनी फ़ौज से डरते हैं लगभग ये वो मौजूद था हिली साहब उसके बाद इन्होंने जो इनके ये कहा गया कि ये सब गलत बात कर रहे हैं तो उसके बाद जो बात सामने आई वो ये कि इन्होंने सबूत देना शुरू कर दी ब्लैकबेरी मैसेजेस देना शुरू कर दिए ये सब शाया करने की कोशिश की हिली साहब ये बात जिस लेवल पे हो रही है वो जिस तरह सन 16-1700 में कोई दो अफ्रीकन बादशाह आपस में बात करते होते तो वो उस लेवल पर कि जी आपने बताया क्यों फॉरेन ऑफ़िस को आप चुप करें पाकिस्तानी प्रेस को आप चुप करें आप अपने इल्ज़ाम देना बंद करें मैं संभाल लूँगा पाकिस्तानी फ़ॉन ऑफ़िस को फिर एक एक तरफ हमारे वो जो पाकिस्तानी ऑफिशियल हैं जिनका नाम उन्होंने नहीं दिया वो फ़रमाते हैं कि चलें तुम अपनी किताब में लिख देना कि अफगानिस्तान का जंग मैंने जितवाई इस अपने एक्ट की वजह से और अपनी किताब में ये भी लिख देना कि मैंने यू और पाकिस्तान का डायनामिक तब्दील कर दिया मंसूर एजाज साहब को ऐसी तंजिया तौर पर वो कहते हैं कि ये तुम सारी बातें क्लेम कर लेना अपने क्रेडिट में जब हम अपना काम कर चुके हैं सर ये किस लेवल पर लोग हैं ये किस लेवल की ताकत है महीद साहब जब एक, एक वैसा टाइम आता है जब आप सीट ऑफ पावर के नज़दीक होते हैं और ख़ास तौर अगर आप वो सीट ऑफ पावर पे नहीं बैठे हैं मगर जो कान हैं लोगों को सीट ऑफ पावर के वो दोनों आपके तरफ अट्यून होते हैं यू हैव द ईयर और यू हैपोलाइज द ईयर ऑफ द या इलेक्टेड हेड हो या अनिलेक्टेड हो उधर से सोचना कि मैं खुद ही ये हूँ ये एक बहुत थोड़ा स्टेप है इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप ह्यूमन नेचर एक ऐसा है इसलिए कि जब सीज़र कंकर करके रोम से आता था और वो कॉलोसियम में घूमता था तो एक स्लेव को बैठा के कहते थे रिमेंबर सीज़र दाओ आर्ट मोटल याद रखो सीज़र तुम इंसान तुम, हो। तुम इंसान हो मेरे ख़्याल में जो लोग इलेक्ट होते हैं या आते हैं उनको तो छोड़ें उनके जो ख़ास एडवाइज़र्स होते हैं उनको ये भी कहना चाहिए उनके लिए भी ये कभी कभी एक छोटे से हो होके कहने चाहिए कि ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो तुम्हारे पास है आ गई है गोद में गिर गई है स्लेव तो नहीं सर तैंतीस चौंतीस दरबार होते हैं उनमें से एक कह दे हाँ मगर ये एक फिनोमेना है और मैंने देखा है और मैं ये कह सकता हूँ कि कभी कभी जब आपको पावर्स डेलीगेट किया जाता था ऑलवेज़ डेलीगेट इसलिए हम तो इलेक्टेड नहीं थे कभी कभी ये सोचता था कि यार मैं यही कर दूँ आप समझ गए ना बड़ा मुश्किल है उसको रेन इन करना हकानी साहब अगर वो निकल आया कि हकानी साहब मैं नहीं कहता कि उन्होंने ये सब किया मैं कहता हूँ अगर वही आदमी रबते में हैं और अगर वही आदमी सबूत आ गई तो फिर मेरे ख़्याल में वही एक इल्नस है जिसके वो शिकार हो गए एक दूसरी बात है आपने नोटिस किया होगा कि हकानी साहब ने अपना इस्तीफ़ा जो है भेज दिया है अब यह बड़ा ठीक स्टेप था बल्कि मेरे ख़्याल में कि वो हट जाना था उनको ना सिर्फ इस्तीफ़ा भेजते वो स्टेप डाउन करते जब तक ये मैटर रिज़ोल्व नहीं हुआ मगर उन्होंने ऑफर किया है अपना रेजिग्नेशन, और अब उनको बुलाया गया है वो परसों आ रहे हैं या कल आ रहे हैं परसों आ रहे हैं और वो आके पाकिस्तान की एक्सप्लेन मैं करता हूँ लीडरशिप लीडरशिप को पाकिस्तान के वो आके अपना आ, इस लीडरशिप में क्या नहीं साहब लीडरशिप में वो आ जाते हैं आ जाते हैं साहब एवरीबॉडी यानी कि एक मीटिंग होगी जिसके अंदर एक तरफ जद्दारी साहब एंड को मेरे ख्याल में कि इस वक्त तक तो हमारे अपने जो एजेंसीज हैं और ख़ास तौर तो हमारी फौज जो है शोली उन्होंने अपनी भी कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी हाँ मंसूर एजाज साहब कहते हैं मेरे पास एक आदमी आया था वो सब कुछ लेके चला गया मुझसे सब कुछ ही कॉपीज लेके चला गया तो वो आदमी तो सिर्फ जी इन इन सब कुछ की कॉपीज लेके एक पाकिस्तानी ऑफिशल लेके चला गया है तो फिर वो क्यों नहीं बताता है हमें क्या है, क्या है क्या नहीं है मैंने कि पाकिस्तानी ऑफिशियल लेके चले जी, गया है जी तो उसके माने उसके हाथ में नहीं है तो ये नहीं क्यों? नहीं उनके पास कॉपीज़ हैं लेकिन उन्हें पूरे पूरे जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स का सेट है उसका एक एक हिस्सा जो है वो दे चुके हैं वो पाकिस्तानी तो को अब वो यही समझा जा रहा है कि पाकिस्तानी को अगर वो पाकिस्तानी उसको दे चुके दो तीन दिन पहले होगा पाँच दस दिन दे. पहले होगा तो उसके बेसिस पे फिर ये मुलाकातें हुई क्या ख्याल है आपका हम माने के उसने तो ये दो मुलाकातें जो हुई हैं चीफ़ की हमें नहीं पता कि इस बारे में मुलाकात हुई ये भी हो सकता है कि जी उसी बेसिस पे कियानी साहब और जरदारी साहब की मुलाकात की अगर आप बात कर रहे हैं तो सेंस तो यही बनता है कि इसीलिए मिले होंगे कियानी साहब को बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई होंगी उन्होंने सबूत पेश कर दी होगी सदा साहब को मगर प्राइम मिनिस्टर और जरदार ने मगर गलानी साहब को भी रहना ज़रूर है ना बुला लिया ना अगले दिन उन्होंने कोई तो इसीलिए अगर इसीलिए है तो और उनको ये सब पेपर्स मिल गए हैं माने दे मस्ट है कंक्लूजन उन्होंने भी एक नतीजे पे आ गए आगे साथ एक नतीजा हाँ नतीजे पे आए तो सर अगर समझ लेते हैं कि हकानी साहब ने यह किया और अगर समझ लेते हैं कि जरदारी साहब क्योंकि इस इस पूरे लेटर में एक हिस्सा है जहाँ पे कहते हैं जरदारी हैज़ गिवन अ गो जरदारी साहब ने हाँ कह दी है क्या ऐसा हो सकता है कि जरदारी साहब ने हाँ कह दी हो एक ऐसे मनसूबे को कि एक तीसरी तीसरीवत की आर्मी से कहो कि मेरी मुल्क की आर्मी से मुझे बचा ले क्योंकि वो दहशत गर्द हैं ये कि आप समझते हैं इस लेवल तक जा सकता है मेरे ख्याल में देखिए हमारे हिस्ट्री में आखिर नवाज़ शरीफ ने भी शाहबाज़ शरीफ को भेजा था 1999 में मुझे मुशर्रफ से बचाना नाइन्टी एट में कि भाई ये कारगिल हो गया है इसमें मेरा हाथ नहीं है अब मुशरफ मेरे ख़िलाफ़ मूव करेगा तो उसको तुम समझाओ अफसोस की बात यह है कि अमेरिका को हमने इतनी अहमियत दी है कि वर्चुअली एवरी चेंज ऑफ गवर्नमेंट में अमेरिका का हाथ है और इंटरम सर इसीलिए है ना विकी लीग्स भी आपने पढ़ी है हमने साथ इस पे शोज़ किए हैं कोई दुनिया में और ऐसा मुल्क नहीं है जो अमरीकन अमरीकन उहदेदारान को इतनी ताकत देते हुए उनसे बात करता है मतलब आप बाकी सारी लीग्स पढ़ लें तो वो जो एम्बेसडर है जो एम्बेसडर वापस लिख रहा है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को वो वो हमेशा ये कह रहा होता है मेरा ये ख्याल है मेरा ये ख्याल है मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान के हवाले से जब वो वापस लिख रहा होता है तो वो अपना ख्याल का इजहार नहीं करता वो ये कहता है मुझे इसने ये बताया इसने ये, बताया इसने ये बताया इसने ये बताया इसने आके कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबको भेजने को, को तैयार हूँ इसने मुझसे आके कहा कि हम बस ऐसे ही बोल रहे हैं चीफ जस्टिस को बहाल करें हम बाद में जाके उनको निकलवा देंगे सर ये तो जाके आप उनसे जब कन्वर्स ही इस तरह करते हैं जैसे वो आपके आका के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो फिर तो यही होना है ना वो देखिए ये जगह बड़ा आसान है कि पॉलिटिशन को ये ब्लेम करना जी मेरे ख्याल में आप सोचना चाहिए कि हमारे वहाँ दो टू कंटेंडर्स फॉर पावर एक पॉलिटिशन है एक इस्टेब्लिशमेंट है क्यों इस्टैब्लिशमेंट भी अमेरिका के कहने पे चलती है कि नहीं चलती है? क्यों ये इस्टैब्लिशमेंट अमेरिका अगर देखिए अगर इस्टेबलिशमेंट अमेरिका को रिजिस्ट कर सकता या अमेरिका के साथ उनका ये नहीं होते तो क्यों पॉलिटिशियन जाके अमेरिकन एम्बेडर को कहते okay, है तो, तो डायरेक्टली भी तो बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स थे उन्होंने खुद भी कहा है मेरे इन सब से ज़ाती रवाबे हैं मैं इनसे कह सकता था कि भाई मुझसे मिल लो मुझे तुमसे कुछ कहना है यह मंसूर एजाज ना हकानी साहब से कोई बेहतर लिखते हैं मतलब हकानी साहबर तो खुद भी जाके बोल सकते थे लिख सकते थे पेन कर सकते थे अपना ऑफिस नहीं इस्तेमाल करते अगर वो समझते हैं कि बग था मतलब अगर जिस भी लेवल तक काम चाह रहा था वो ख़ुद भी तो कर सकते थे ये क्या जरूरत थी देखिए तो? ये मेमोरेंडम है ना मेमो जी ये मेमोरेंडम एक मेमोरेंडम में अल्फाज होते हैं ना ये अल्फाज किधर से आए मैं नहीं कहता हूँ कि हदलाकानी ने किया मगर किसी ने तो लिखा है ना जी नहीं मंसूर एजाज साहब कहते हैं मुझे बता दिया गया कि मौजू के उसका मौजू क्या होना चाहिए लिखा मैंने अच्छा वो एडमिट करता है तो अगर वो एडमिट करता है कि उसने लिखा है तो इसलिए हकानी ये कह रहा है आज मैंने कि मैंने नहीं लिखा। ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल का दिखाई हुई चीज़ पे आप लोग इतना ये क्यों करते हैं मगर कहने की बात ये है कि गो हैड और ओके देखिए मंसूर इजाज़ जा के अपनी गवर्नमेंट को और मलन के तरह आदमी को एक आदमी जो अपने आप को एक सीरियस पॉलिटिकल कैंडिडेट बनाना चाहता है जो वन मिलियन डॉलर्स दिया है डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने जेब से जो और मैंने खुद देखे हैं क्लिंटन के साथ उसकी एक्सचेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके पिक्चर्स हैं ऐसा आदमी साफ सुधा झूठ अपना भड़स निकालने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ दस मेक सेंस आई डोंट नो आपको इफ इट मेक सेंस ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना कि एक दिन जागे और ये सब लिख जाइए कुछ तो एविडेंस होना चाहिए जी ना और ना। ये जो लिखा हुआ है इन्होंने सारा ये सबूत ही है मतलब हमारे ख्याल से तो ये सबूत ही है ये सारे डेट्स विद टाइम्स नाम रिडैक्ट करके होटल का नाम रिडैक्ट करके वो पूरी पूरी कानवर्जेसन का एक हिस्सा है और एक धमकी दे रहे हैं वो कि मुझे सब कुछ पता है मैं सब कुछ भी शाया कर दूंगा इन टाइम तो आप समझते हैं कि ये हुआ है अगर हुआ है तो हुसैन है देखिए हुआ है अब किसके साथ हुआ है ये हमें नहीं पता मेरे ख्याल में हुआ है और हुसैन खानी का नाम तो नहीं है टॉप डिप्लोमैट तो एल्स कैन बी इन टच और इस किस्म की ई जो एक्सचेंज हुए एक बात बताएं ब्रेक भी लेनी है मुझे पाकिस्तान की आला क्यादत कॉरिडोर्स ऑफ़ पावर के बारे में ये ये अगर सिचुएशन सच है तो ये क्या चीज़ सामने आती है कि हम कितने के उसमें हैं देखिए आज आपको पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं अपनी जहाज़ मंगवा रहा था तो पता चला कि रहमान मलिक उस जहाज़ में चले गया है क़तर ये एक मेमन साहब जो हैं वो बग़ैर इजाजत लंदन पहुंच गए पूछा भी नहीं खुद कहते हैं पूछा नहीं पुलिस जब आप इस स्टूडियो से निकलें पहली ट्रैफिक लाइट के थ्रू आप जाएं, मोबाइल इधर पूछे एक दो अफसर आपको अगर भी कोई पुलिस वाला रोकने की कोशिश करें कि आप रुकेंगे देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर है यार खुदा के लिए इट्स ऑल द वे डाउन इधर तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं कोई डिसिप्लिन है ही नहीं तो मेरे ख्याल में ये कहना कि यो सरप्राइज के कोई डिसिप्लिन नहीं है सर शर्जील मेहमान साहब को डिसिप्लिन नहीं है मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ मैं उनसे मिला हूँ और वो थोड़े रिबेलियस आदमी है ज़दारी साहब को प्रेजिडेंसी रहमान मलिक छोड़ दें उनको छोड़ दें <laughs> रहमान मलिक साहब को उनके हाल पे छोड़ दें <laughs> वो खैर हम जदाई साहब कॉरिडोर्स ऑफ़ पावर पाकिस्तानी फौज और एक एक नॉन पॉलिटिकल जनरल जिन्होंने ये सही समझा कि मैं अपनी फौज की क्रेडिबिलिटी को वापस बढ़ाऊंगा मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा क्या इनसे वाकई में इतना लैक ऑफ कॉन्वर्जेसन लैक ऑफ डिस्कशन है कि आप हक्ानी साहब के थ्रू वाशिंगटन एक अमेरिकन के थ्रू एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं Is जब जरूरत really भी, भी नहीं था जब जरूरत भी नहीं था